हेलो गाइस, वेलकम टू द DW ब्लॉग्स। तो आज हम चले अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म। और जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म, मतलब दिमाग बस सीधा चलता है घर की तरफ। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हॉस्टल में रहूँ और हॉस्टल का खाना खाऊँ। आपका क्या मन होता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दरअसल हमने अपनी जर्नी शुरू की थी रात की 12:30-1 बजे की तरफ। और अच्छी बात यह है कि कॉलेज ने हम लोग गाड़ी दी थी, तो हम टाइम पे ही पहुंच गए थे। हम लोग 1.5 से 2 घंटे में पेरम्बलूर जंक्शन पहुंच गए थे। और हमारी ट्रेन थी वैसे 5:30 बजे। ट्रेन तो हमारी टाइम से आ गई थी, बट हमारे पास टाइम नहीं था कि हम ट्रेन चढ़ने का फोटो वीडियो बनाएं और क्या कुछ, क्योंकि हम इतनी जल्दी में चढ़े थे कि पूछिए मत। हम सीधा ट्रेन की वीडियो दिखाते हैं आपको, कुछ सिनेमेटिक शॉट्स हैं, अब देखिए और म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए। Break down, I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. और मैंने पूरे वीडियो में हिंदी में इसलिए बोला है गाइस, क्योंकि मेरे कई सारे व्यूअर्स इंडिया से भी हैं और वो नेपाली नहीं समझते, इसलिए मैंने हिंदी में बोला। ये कुछ शाम की सीन है जो मैंने रिकॉर्ड किया था। मौसम अचानक चेंज हुआ था और पूरा आकाश एकदम रेड हो गया था। जो इंस्टा क्लिप इसका भी बना के रखते हैं, देखते कैसे लगता है आप लोगों को। अब पूरा ट्रेन का ही वीडियो कितना दिखाए, तो भाई साहब हम सीधा पहुँचे पटना। तो अब लगभग 36 घंटे के बाद हम पहुँचे थे पटना जंक्शन पे। और फिर वहाँ से हमको लेना था नेपाल का बस, जो था शाम को 9:30 बजे की तरफ। तो हम स्टेशन से सीधा निकले बस स्टैंड की तरफ, गांधी मैदान जो है पटना में, वहाँ पर निकले थे हम लोग वहाँ के लिए। तो रेलवे स्टेशन सीधा ऑटो पकड़े और सीधा निकले गांधी मैदान की तरफ। लगभग पटना रेलवे स्टेशन से हम लोगों को 15 से 20 मिनट लगा था गांधी मैदान पहुँचने के लिए। फिर वहाँ पे पहुँचे और बैठे नेपाल भारत की बस में। तो आप लोग थोड़ा बस का वीडियो एंजॉय कीजिए, तब तक हम लोग सोते हैं, क्योंकि भाई साहब हम लिटरली 2 दिन से सोए नहीं हैं, इसलिए दिन सोते हैं। तब तक आप लोग वीडियो देखिए। और ये पटना का वो गांधी सेतु ब्रिज है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फिर उसके बाद जब सोए तो सीधा उठे हम लोग, पता नहीं कब उठे, बट जब उठे तो सीधा खाने का टाइम हो गया था। हमने एकदम आराम से मटन चावल ऑर्डर किया, सभी लोग मटन चावल खाए, चिकन खाने वाले मैंने चिकन भी खाया। तो हम खाना खा के सोए तो सीधा उठे रात में, जब बस रुकी थी भिठावर बॉर्डर पे, तो टाइम हो रहा था 4:30। तो भिठावर नेपाल भारत का बॉर्डर है और ये 6 बजे से पहले खुलता नहीं है, इसलिए अब 2 घंटे हम लोग वहीं पर रुके हुए थे। छः बजे बॉर्डर खुला और हम बॉर्डर से निकले और सीधा निकले जनकपुर की तरफ। जनकपुर हम लगभग 1.5 घंटे में पहुँच गए थे। फिर बस किया टाटा बाय बाय और उसके बाद ऑटो पर बैठ कर निकले अपने घर की तरफ। बस स्टैंड से लगभग 15 से 20 मिनट लगता है हमारे घर के लिए। और ये रहा जनकपुर का मौलवी चौक, जो काफ़ी जाना पहचाना चौक है जनकपुर का। और मुरली चौक से हमारे घर के लिए ऑटो से लगते हैं 5 मिनट। आराम से गए घर और यहाँ पे हमारी जर्नी हो गई ख़त्म।